और आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग। तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग्स आपको दिखाने वाली हूँ, जो होने वाले हैं सीनरीज और स्केचेस। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली चलते हैं वीडियो पे। तो पहले मैं आपको इस बुक से स्टार्ट करती हूँ। मैं देखती तो हमारी पहली ड्राइंग है एक सीनरी। मैं आपको शेड्स भी बताऊंगी। मैंने यहाँ शेड्स यूज किए हैं, ब्लैक कलर किया है पहले तो मैक्सिमम, इधर 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 और इधर, उसके बाद ऑरेंज, वाइट और रेड सन में, और थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इसे ब्लैंक रहने दिया है। ये आप सर्कल से ड्रॉ कर सकते हो। और इधर अभी मैंने यहाँ भी ऑरेंज, वाइट और थोड़ा सा ग्रीनिश कलर यूज़ किया है, ऐसा रिफ्लेक्शन जैसा आने के लिए। और ये हाउस भी ब्लैक किया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी नेक्स्ट सीनरी। बहुत सुंदर भी है क्योंकि है, देखिए अच्छी है ना। ये है और यहाँ मैंने पर्पल, नेवी ब्लू और ये वाइटनर से किया है, ब्लैक और यही कलर्स ये यूज़ किए हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट। अब हमारी नेक्स्ट ड्राइंग है और वो शंकर भोलेनाथ की जो पेंट होती है उसकी। इधर मैंने डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू यूज़ किया और ब्लैक, और ये मैंने वाइटनर से किया है। आप इसको चॉक से भी कर सकते हो, क्रेयॉन से। ये ब्लैक देखिए अच्छे से, यह मून की ले ली। इसके बाद मैंने ये जो किया है वो है एक छोटी सी प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आपको इसकी मेथड भी बताऊंगी। देखिए आप जब मतलब हमारे यहाँ एक आर्टिस्ट है ना, उनने मुझे ये सिखाया था, ये ट्री ये मैंने ड्रॉ किया है, मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखिए आपको ब्रश लेना है और ब्रश का पीछे का जो होता है ना पॉइंट, उसको कलर में डिप करके इधर लगाना है। एक मिनट मैं आपको ब्रश से ही दिखाती हूँ। तो देखिए ये ब्रश मेरे पास ऐसा, देखिए ऐसा पोस्टर कलर्स का बॉक्स है डॉम्स का, तो ये स्पॉन्सर नहीं है, ये डॉम्स का बॉक्स है। तो इसमें हमें ये ऐसा भी मिल जाता है, आपको दिखाती हूँ। ये देखें तो मैंने आधा इससे किया था और आधा ब्रश से। तो ये देखें इसको हमें कौन से भी कलर में डुबाना है, इसमें आपको दिखाती हूँ। अब मैंने ब्राउन लिया है, ब्राउन लिया है और इसको मैं अभी ऐसे करते हुए हमें सब कलर को अच्छे से हमें ऐसे ब्लेंड करना है और शेप में लाना है, ठीक है। तो ऐसे हमें ये मैंने ये चार्ट बनाया है। और ये देखिए, और ये हमारा जो ब्रश है उसके पीछे भी आप कलर लगा के सेम डिपिंग कर सकते हो, ठीक है। और उसमें उसका एक शेप बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट ड्राइंग दिखाती हूँ। तो यहाँ से शुरू होता है हमारे क्यूट से प्यारे से स्केचेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद मेरे वाटर कलर के भी सीनरीज है, मैं आपको दिखाऊँगी वो। तो ये स्केच मेरा एक टॉर्टोइस का है, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए बहुत बड़े आईज वाला है टॉर्टल्स है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है ये वाटर कलर्स का स्केच नहीं, सीनरी ड्राइंग पेंटिंग, हाँ पेंटिंग। तो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, ये परफेक्ट नहीं आया है पर अच्छा दिख रहा है। इसके बाद है हमारे और एक पेंटिंग, ये देखिए। इसमें डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो और ऑरेंज और ब्लैक यूज किए हैं। अब इसके बाद है स्केच, इसमें आप एक एक में बल्क में शिप, इसमें रोजेस, इसमें फिश, इसमें
इसमें, हाँ इसमें माउंटेंस है, इसमें सैटर्न प्लैनेट्स हैं, यहाँ पैराशूट और इधर बटरफ्लाइज। अब इसके बाद हमारा, ये बहुत क्यूट है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये टोस्ट है, उसके ऊपर बटर है और उसके हाथ में नाइफ है। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ छोटा सा कुकी ड्रॉ किया है। क्यूट राइट? ओके, और इसके बाद और एक स्केच है। सूरज हुआ मतम, तो ये इस क्लाउड के पीछे ये सन है। स्केच ये ब्लेंडिंग करने में बहुत इजी है, सिर्फ हमें पेंसिल से जहाँ हमें शेड करना है वहाँ ऐसे ड्रॉ करना है। और मेरे पास वो बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग वाला तो कुछ सामान नहीं था, इसलिए मैंने फिंगर से ही किया है। तो हमें इधर कुछ भी, मतलब हमें जितना चाहिए उतना हमें ऐसा शेड करना है, और उसको ऐसे फिंगर से ऐसे हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं फिंगर से। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट पे। बैक साइड स्केच है, देखिए बारिश में एक लड़की खड़ी है उसका। उसके बाद आता है ये बहुत सुंदर है और मीनिंगफुल स्केच है कि आधे संसार में मून और एवरेस्ट या माउंटेन्स की मर्जी चलती है, और आधे इसमें सन और ट्रीज की, और ये हमारा पूरा अर्थ है। तो बढ़ते हैं आगे, एक स्केच है, देखिए लड़के चांद पे बैठे हैं। अब ये है वैसा ही, इस पे लिखा है द सन सीज योर बॉडी द मून सीज योर सोल। इसके बाद वाटर कलर से मैंने ट्राई किया है। ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, ये स्केच है। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे बुक में से। दूसरे बुक में से भी मैं मेरे कुछ ही स्केच दिखाऊंगी जो वन ऑफ माय बेस्ट हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट। पहले तो ये सबसे बढ़िया है मेरी राय, आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये एक एनिम गर्ल है, देखिए ठीक। अब आपको दिखाती हूँ अगला वाला, ये भी एक गर्ल फिगर है। अब इसके बाद आता है हमारी मॉडर्न स्नो वाइट। अच्छी है ना? इसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम कोई बॉय फिगर ट्राई किया था, टॉम ड्रॉ किया है मैंने, इसका नाम टॉम है। अब ये हॉगवर्ट्स का है, और आप अगर आपने हैरी पॉटर के सब पार्ट देखे होंगे तो आपको ये पता होगा। ये हॉगवर्ट्स का मतलब ये पूरा कैसल है, हॉगवर्ट्स है क्लाउड में। ये इधर वो उसका सॉर्टिंग हैट, स्निच, उसके ग्लासेस, डेथली हेलोस, और ये मून है, और ये क्या बोलते हैं इसको, लाइटनिंग स्कार उसका, और इधर लिखा है ऑलवेज। आप देखिए डेथली हेलोस पार्ट वन पार्ट टू तो आपको समझ आएगा ऑलवेज। तो नेक्स्ट है हमारा ये इतना खास नहीं, पर
अब उसके बाद ये देखें, एक लड़की है, उसके बाजू में बहुत सारे आइटम्स रखे। पता नहीं आपको अच्छे से दिख रहा है। तो ये थे मेरे सब ड्राइंग्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबाना, जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आएगी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर प्लीज़।